नमस्कार घाटी आतंकवाद निपात पर शाह शाणित रणनीति एथर अस्त्र शिक्षा सेना को अधिक शक्त सहित युवपीढ़ी को देश निर्माण में जोड़ प्लाटफर्म जोगाइबा धारा 370 उच्छेद पर प्रथम थर पर काश्मीर केन्द्रमंत्री अमित शाह एथर आतंकवाद भय शाह देखी काश्मीर कंपुची भारत माता की जय नारा भारत माता की क्यों भाई जम्मू वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे धारा 370 हटने के बाद पहली बार आया हूं ऐसे बोलोगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जम्मू कश्मीर में विकास के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आतंक को हरबारे शिक्षा हेब अस्त्र शिक्षार प्रमुख केन्द्र हेब जम्मू काश्मीर जम्मू में आईआईटी नूतन स्थायी कैंपस उद्घाटन और शिलान्यास कले स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर दायित्व नेवापर जम्मू काश्मीर युवक को शिक्षा प्रदान करने आम सर्वोच्च प्राथमिकतार रही प्रधानमंत्री प्रयास जम्मू काश्मीर शिक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख केन्द्र होगा दिगरे अग्रसर रविवार जम्मू स्थित आईआईटी एक नूतन स्थायी कैंपस उद्घाटन शिलान्यास एवं अन्यान्य जनकल्याणकारी योजनार शुभारंभ करने अवसर में यह कहते गृहमंत्री अमित शाह मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है इसका शुभारंभ भी आज प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिन के दिन किया। आईआईटी आईएम और एम्स तीनों संस्थान मिलकर नए प्रकार के कोर्स की रचना कर एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे इसकी चिंता की। सेपरि नूतन शिक्षानीति अधीन जम्मू में अवस्थापित आईआईटी आईआईएम एवं एम्स द्वारा बहुमुखी पाठ्यक्रम आरंभ केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सूचना देते केन्द्र शिक्षामंत्री स्वराष्ट्रमंत्री दुईट कार्यक्रम में जोगदे आईआईटी जम्मूर नूतन क्यांपस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में जम्मू काश्मीर विकास जड़ित 21 योजनार शुभारंभ हो नुआ शिक्षानीति अधीन आईआईटी आईआईएम एवं एम्स जम्मू में बहुमुखी शिक्षा आरंभ करने को जाउछे टनेल इंजीनियरिंग हिमालय और पहाड़र विकास पहाड़े जीवनशैली को सहज करिबा एवं अन्य परिवेश सुरक्षा संबंधित अनेक एकविंश शताब्दीर विषय उपरे देश में प्रथम थर पर जम्मू स्थित आईआईटी पाठ्यक्रम आरंभ करने को जाउछे मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू में एम्स आई है जम्मू में आईआईएम आई है आज दूसरे खुशी की घटना है तीनों संस्था मिलके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीनों संस्था मिलके कई अनेक कोर्स ऐसे देश के अंदर ला रहे हैं देश में टनल कैसे बनेगा टनल इंजीनियरिंग की कोर्स देश में कहीं नहीं है आईआईटी जम्मू में होगा देश की नौजवान हिमालय की नौजवान पढ़ने यहाँ आएगा। आईआईटी जम्मू एवं सप्तर्षि स्थायी कैंपस फेज 1A 1B रो उद्घाटन होता बेले फेज 1C रो निर्माण काम शिलान्यास हो कैंपस फेज 1A एवं 1B निर्माण पर 210 कोटी टंका खर्च हो फेज 1C पर मोट 700 कोटी टंका खर्च हो आकलन करपरी भाव में जम्मू ठारे युवपीढ़ी को रोजगार प्रदान करने महिला सशक्त करने स्थानीय लोकों शिक्षा कुशल करने अनेक कल्याणकारी योजना को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे शुभारंभ कर गृहमंत्री अमित शाह उद्घाटनी कार्यक्रम में जम्मू काश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा केन्द्र राष्ट्रमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह प्रमुख उपस्थित रही शांति भंगकारी को निस्तार ना शिक्षा सह एथर शाह सीमा और काश्मीरवासी सुरक्षा पर कठोर रणनीति एथपाय इंटेलिजेंस ब्यूरो वरिष्ठ नेता पुलिस बीएसएफ एवं गुइंदा अधिकारी बस कर आलोचना इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या एग्रेसिव ना हो जान दे देंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो जान दे देंगे इसके लिए। घाटी रे अमित शाह थरहर पाकिस्तान यूनिफाइड कमांड रो नुआ रणनीति तीन दिनिया जम्मू काश्मीर गस्तरे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कड़ा सुरक्षा व्यवस्था सेना छाउणी रे पूरा काश्मीर काश्मीर रे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टारगेटेड किलिंग परे
ଭାରତୀୟ ସେନା ଏପଟେ ରକ୍ତମୁଖା। 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଟପ୍ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସଫା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଆଉ ଏହି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ନୂଆ ସାମରିକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚି ୟୁନିଫାଏଡ୍ କମାଣ୍ଡର ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 3 ଦିନ ଧରି କାଶ୍ମୀରରେ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏପଟେ ଥରର ହେଉଛି ପୁରା ପାକିସ୍ତାନ। ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ। ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରଭେଜ ଦର୍ଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ଘାଟିରେ ପାକ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଟେରୋରିଜିମ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସେପଟେ ସେନା ଏବେ ରକ୍ତମୁଖା, ଚାଲିଛି ଘନ ଘନ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସେପଟେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ କମାଣ୍ଡ ବୈଠକରେ ଶାହା କରିଛନ୍ତି ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ବଡ଼ ରଣନୀତି। 2019 ଅଗଷ୍ଟ 5 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଠାକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଗୁପକର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ରାଜଭବନରେ ଶାହା ଏବେ 3 ଦିନ ଧରି ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜଭବନର 20 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଘାଟିରୁ ଧାରା 370ର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର। ମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତ। ଏହି ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଡାଲ୍ ଲେକ୍ ଓ ଝେଲମ୍ରେ ମୋଟର ବୋଟ୍ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାଇପର ଓ ସାର୍ପ ସୁଟର ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନରେ ଶାହା କରିବେ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ନିପାତ ପାଇଁ ବଡ଼ ରଣନୀତି। ଏଥିପାଇଁ ଶାହାଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ, ବରିଷ୍ଠ ସେନା, ପୋଲିସ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ପିଏମ୍ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଡିଜିପି ଦିଲବାଗ ସିଂ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅରୁଣ ମେହତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାହାଙ୍କ ଏ ଗସ୍ତରେ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରର ସୁରକ୍ଷା। ଏଲ୍ଓସିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗତିବିଧି ଓ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂ ଉପରେ କିଭଳି ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସେପଟେ କାଶ୍ମୀରରେ ଶାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କି ଆଇଏସ୍ଆଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଟେନ୍ସନ୍। मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरा कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये जानकारी नहीं है कि जहां रुकते हैं 3 दिन से वहां लगातार कारफ्यू जैसी हालात पैदा हो जा रहे हैं। अगर मान लो कि कांग्रेस ने 370 लागू किया था, इसके चलते कश्मीर में गड़बड़ी हुई, ठीक है, तो अब क्यों हो रहे हैं? 13 दिन की ऑपरेशन के बाद भी क्यों हम एक की मिलिटेंट को पकड़ने नहीं सफल हो रहे हैं? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है कि गृह मंत्री जी इतना समय निकाल सके हैं हमारे लिए, और उन्होंने पूरी डेप्थ के साथ में सारे इश्यूज को सुना है, उसके ऊपर इंटरेक्ट किया है, और जो भी उनके सवाल थे उनको हमने कोशिश करी है उनको बताने की और सेटिस्फाई करने। 70 साल तक के 3 परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को? 87 विधायक, 6 सांसद, यही ना मोदी जी ने 30,000 लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। हर गांव के अंदर पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर
जिला पंचायत बनी है, अब ये तीन परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बताता हूँ, मेरा पंच सरपंच भी भारत क्या सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। देशर राजनैतिक महल रे धारा 370 को नहीं समय समय रे अनेक वाद विवाद सृष्टि होछ, किंतु धारा 370 रो उच्छेद परे सब समाप्त होछ। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस सरकारी इसको इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो काम कर दिया है जिसका इस देश को वर्षों से इंतजार था। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को भारतीय जनता पार्टी ने आज एक झटके में तीन चार चीजों को खत्म कर दिया। एक तो आर्टिकल 370 को खत्म किया और आर्टिकल 370 के साथ साथ उससे 35A भी खत्म हो गया। देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कश्मीर रु धारा 370 उच्छेद परे ब्रेक लागिछि आतंकवादी को कार्यकलाप। पाकिस्तान मध्य टेंशन रे, केवल घाटी रे भारतीय पताका एवं भारत माता की जयकार नारा सुनिबा को मिलुछि। भारत माता की, भारत माता की।